हैक हो सकती है उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बुद्धि। ईवीएम हैक पर महाराष्ट्र में बवाल जारी, पक्ष विपक्ष हुए हमलावर। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी दल खुश थे कि उनकी सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी की घटी हैं। चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के खिलाफ उठी आशंकाओं को चुनाव नतीजों ने धो दिया। ईवीएम का विरोध अब बंद हो गया है। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक में कहा था कि उन्हें लगा था कि विपक्ष ईवीएम की अर्थी निकालेगा, लेकिन सबकी बोलती बंद है। जोगेश्वरी लोकसभा चुनाव नतीजे को लेकर ईवीएम पर मचे घमासान के बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर सवाल दिया, जिस पर विपक्ष के सुर बदल गए। चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जाती, आदित्य ठाकरे। उद्धव सेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराए जाते तो बीजेपी 240 नहीं बल्कि 40 सीटों तक सिमट गई होती। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के परिणाम को धोखाधड़ी करार देते हुए आदित्य ने दावा किया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी जीत छीन ली गई। उनकी पार्टी उत्तर पश्चिम मुंबई सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का रुख करेगी। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सिंधे सेना के रविंद्र वायकर ने उद्धव सेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को मात्र 48 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। इतने कम मतों से मिली हार को लेकर उद्धव सेना आक्रामक है। उद्धव सेना के नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अनिल परब ने कहा कि हमें संदेह है कि मोबाइल फोन जिसे जांच के दौरान जब्त किया गया था बदल दिया गया होगा। भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए और कीर्तिकर को विजेता घोषित करना चाहिए। परब ने आगे कहा कि घोषित चुनाव परिणाम संदिग्ध हैं, हम कानूनी रास्ता अपना रहे हैं, हम एक या दो दिन में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। परब ने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए मतगणना प्रक्रिया 19वें राउंड तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद कोई पारदर्शिता नहीं रही। परब ने यह भी दावा किया कि कई स्थानों पर उम्मीदवारों को फॉर्म 17C और 17C2 मतदान की संख्या से संबंध नहीं दिए गए। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, निरुपम। ईवीएम को लेकर सिंधे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस से संचार स्थापित नहीं किया जा सकता। निरुपम ने कहा कि मैं गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए राहुल गांधी, प्रशांत भूषण और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य नेताओं से भी इसी तरह की जवाबदेही की मांग करता हूं। आदित्य ठाकरे ने झूठे विमर्श फैलाने के लिए उसी खबर का इस्तेमाल किया जिसके दुष्परिणाम हुए हैं, अब उन सभी को माफी मांगनी चाहिए। निरुपम ने उद्धव सेना के मुखपत्र से भी माफी मांगने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उसने भी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के परिणाम के बारे में इसी तरह की झूठी खबर प्रकाशित की, यदि आवश्यक हुआ तो वह इस मामले को भारतीय प्रेस परिषद तक ले जाएंगे। मोबाइल के जरिए राउत और उद्धव की बुद्धि को हैक किया जा सकता है, सोमैया। ईवीएम को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मोबाइल या इंटरनेट के जरिए ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन मोबाइल के जरिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बुद्धि को जरूर हैक किया जा सकता है। सोमैया ने कहा कि ये बात सभी को पता है कि ईवीएम को मोबाइल फोन से हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम मशीनें अलग अलग होती हैं। इनमें किसी प्रकार का ना तो इंटरनेट कनेक्शन है और ना ही कोई मोबाइल कनेक्शन है। इनमें किसी प्रकार के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर इन्हें कैसे हैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के मामले में भी कोर्ट ने साफ कहा था कि मशीन के मामले में किसी प्रकार के दुष्प्रचार को रोका जाए। यही वजह है कि कोंकण में उद्धव ठाकरे का सफाया हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनका बुरा हाल होगा, इसलिए उन्हें ईवीएम में दोष दिखाई दे रहा है।